कांग्रेस पार्टी ने आज प्रधानमंत्री मोदी पर चौतरफा हमला किया। राहुल गांधी के हमले से पहले ही पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने मोदी की आर्थिक नीति पर सवाल खड़े कर दिए। शकील अहमद ने मोदी की नीति का अंग्रेजों की फूट डालो राज करो की तरह ही बताया। जाहिर है बीजेपी इससे आग बबूला है। '77 में जनता लहर में सत्ता खोने के बाद इंदिरा गांधी ने 1980 में सत्ता में जोरदार वापसी की थी। पिछले साल मोदी लहर में बुरी तरह सियासत के हाशिए पर ढकेल दी गई कांग्रेस को आज शिद्दत से याद आ रही हैं इंदिरा गांधी। The opposition was saying all the time, इंदिरा हटाओ, इंदिरा जी said, no, गरीबी हटाओ। दरअसल पीएम नरेंद्र मोदी लगभग हर भाषण में कांग्रेस सरकार की उपलब्धियों को खारिज करते रहे हैं और मनमोहन इसी बहाने ये बता रहे थे कि हमेशा से कांग्रेस की प्राथमिकता सत्ता नहीं विकास रही है। इस सिलसिले में उन्होंने मोदी सरकार पर दिशाहीन होने का संगीन इल्जाम तक जड़ दिया। Modi government having done away with the planning commission. Today, the economic policies of the country have no sense of direction. उदारीकरण के दरवाजे खोलने और ग्लोबल मंदी के संकट से भारतीय अर्थव्यवस्था को सलामत बचा ले जाने का श्रेय मनमोहन सिंह के सिर है। ऐसे में अर्थव्यवस्था को लेकर उनकी कोई भी बात आसानी से खारिज करना मुश्किल है, लेकिन बीजेपी ने इसका तोड़ भी निकाल लिया। कि मनमोहन सिंह जी एक बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, प्राइम मिनिस्टर रहे हैं और उनकी दिशा हमने 10 साल में उनके प्रधानमंत्री काल में देखी, जो सारी दिशा 2G स्पेक्ट्रम की तरफ मुड़ जाती थी, CWG की तरफ मुड़ जाती थी, कोलगेट की तरफ मुड़ जाती थी। कुमार विक्रांत, दिल्ली आज तक। जहाँ तक याद याद आती रहेगी।